दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मिनी स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करें। वैसे तो दोस्तों हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मिनी स्टेटमेंट को कई अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप मात्र एक क्लिक में ही अपने मिनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। तो किस तरीके से मिनी स्टेटमेंट को डाउनलोड किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक नंबर पर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज कर देंगे, आपके पास एक सेकेंड के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपका मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक नंबर पे मैसेज करना है, वो नंबर है 7738062873। आप यहाँ पे ये नंबर देख लें, यह नंबर है 7738062873। आपको इस नंबर पे एक मैसेज करना है। मैसेज में दोस्तों आपको कुछ नहीं लिखना, आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है MINI, मिनी लिखना खाली। जैसे मैंने यहाँ पहले भी इसका बैलेंस भी चेक किया है और मैंने मिनी स्टेटमेंट भी यहाँ पर डाउनलोड किया है, तो आपको केवल मैसेज बॉक्स में केवल MINI लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उस नंबर से ये मैसेज कर देना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये खाली MINI लिख के मैसेज किया है। अब दोस्तों कुछ ही देर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से हमारे पास मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 5 ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गए, तो मैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं नाउ करके अभी हमारे पास मैसेज आया। जैसे मैं इस मैसेज को ओपन करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पिछले 5 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। जैसे 3/5/2024 को 300 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आए, और 3/5/2024 को फिर 300 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आए, और 31/3/2024 को 12,000 रुपये हमारे अकाउंट में आए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पिछले 5 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।